नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के बारे में और हाउ टू टेक डेली केयर ऑफ दीज फूड प्रॉब्लम्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जो ये फूड प्रॉब्लम्स है, ये मल्टीपल कारण की वजह से होती है और इसमें इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो पेशेंट हैं उसमें पेन, टच, ऐसे अदर सेंसेशंस ये पेशेंट फील नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से अगर पेशेंट के पाँव में घाव हो जाते हैं उसका पेशेंट को पता नहीं चल पाता और वो इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेता, और जिसकी वजह से ये घाव बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। सेकंड, डायबिटीज़ की वजह से जो पाँव के अंदर ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो घाव या इंजरीज हैं पाँव के अंदर दे टेक टाइम टू हील। और थर्ड रीज़न है डायबिटीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन्स है ये भी पेशेंट में बढ़ जाते हैं और ये इन्फेक्शन पाँव में भी हो जाते हैं और इसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जो पाँव हैं उसके अंदर सेंसेशंस आने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सेंसेशंस जैसे कि टच सेंसेशन, गर्म सेंसेशन या ठंडा सेंसेशन, ये सेंसेशन पेशेंट को कम फील होते हैं या बिल्कुल ही फील नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा पेशेंट कुछ एबनॉर्मल सेंसेशंस फील करता है, जैसे बर्निंग सेंसेशन पेशेंट फील करेगा, पेन के सेंसेशंस आते हैं पाँव में, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं पेशेंट को, नमनेस फील होती है। उसके अलावा जो पाँव है उसका कलर चेंज हो जाता है या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट के पाँव में कुछ रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, छाले होने चालू हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, या फिर कई बार पेशेंट के अंदर जो कॉर्न होता है यानी कि गोखरू वो बन जाते हैं और वो इन्फेक्ट होने लग जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के पाँव के जो घाव होते हैं वो भी लेट भरते हैं, और इसके अलावा जो पेशेंट की जो टोनेल्स हैं वो उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनकी थिकनिंग चालू हो जाती है, येलोइंग चालू हो जाती है, या फिर इनग्रोइंग ऑफ टोनेल्स हो जाता है। तो ये थे कुछ अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स जिनका डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और इन पर नज़र रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली फुट केयर के बारे में। तो डायबिटिक पेशेंट्स को रोज़ अपने पाँव को सब तरफ से चेक करना चाहिए, और अगर उन्हें रेडनेस या कोई ब्लिस्टर यानी कि फफोला या कोई अल्सर यानी कि छाला या इसके अलावा भी कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो उन्हें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को रोज़ अपने पाँव को गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्हें अपने पाँव को पानी के अंदर सोक करके नहीं रखना है, और इसके अलावा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और उसके अलावा जब पाँव धो लें तो उन्हें किसी साफ़ सुथरे टॉवल से अपने पाँव को अच्छे से सुखा लेना है, और ध्यान ये रखना है कि जो टोस के बीच की जगह है इनमें पाउडर डाल लें, क्योंकि ये जगह जो टोस के बीच की जगह है ये अक्सर गीली रह जाती है और इसमें फिर इन्फेक्शन या चोट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसमें आप पाउडर डाल लें। फिर तीसरा, आप हमेशा शूज़ एंड सॉक्स पहन के रखें, और शूज़ एंड सॉक्स हमेशा पहनने से पहले आप उसमें चेक कर लें कि उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं रह गई है या फिर उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है। उसके अलावा जो अंदर की सरफेस है शूज़ की वो स्मूथ होनी चाहिए, और शूज़ आपके कम्फर्टेबल होना चाहिए, कम्फर्टेबली फिट हो जाना चाहिए आपके पाँव में, और जूते का हमेशा ध्यान रखें वो अंदर से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कभी भी प्लास्टिक के जूते ना पहने, उसे अवॉइड करें, और उसके अलावा पॉइंटेड शूज़ या फिर हाई हील के जो शूज़ होते हैं उन्हें आप अवॉइड करें। फ्लिप फ्लॉप्स और जो सैंडल्स हैं इन्हें भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोनेल यानी कि पाँव के नाखूनों की केयर आपको कैसे करनी है। पाँव के नाखून आप हमेशा पाँव धोने और सुखाने के बाद ही काटें। इसके अलावा नाखूनों को हमेशा स्ट्रेट काटें, कर्व नहीं काटें। उसके अलावा जो कॉर्नर्स हैं उसे आप नहीं काटें, और ज़्यादा छोटे नाखून भी नहीं काटें। इससे क्या है कि आपके जो
नाखूनों की जो इंजरीज की रिस्क है वो कम रहेगी। उसके अलावा अगर हो सके तो किसी नेल फाइलर से नाखून काटने के बाद जो एजेस है नाखूनों की उन्हें घिसकर स्मूथ कर लें। इससे क्या है कि अगर अनइवन कटा हुआ नाखून है वो किसी कपड़े या किसी चीज़ में नहीं उलझेगा और उसके उखड़ने की रिस्क भी कम हो जाएगी। उसके अलावा कई केसेस में आपको नाखून कटवाने के लिए अपने डॉक्टर्स की भी हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि अगर नाखून कर्व्ड हो गए हैं या फिर स्किन में इनग्रो कर गए हैं इसमें आप हेल्प लें, या फिर येलोइंग या थिकनिंग ऑफ नेल्स हो गया है, टोनेल्स हो गया है, तब भी आपको डॉक्टर से ही नाखून कटवाने चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपने पांव का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखना है और इसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो जब भी आप बैठें अपने पांव को लटका के ना रखें, उन्हें उठा के रखें, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप टाइट सॉक्स आपको नहीं पहने हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको फिजिकली एक्टिव रहें, जैसे कि योगा कर सकते हैं आप, साइकिलिंग करें, वॉक पर जाएं, स्ट्रेचिंग करें, इससे भी क्या है आपके पाँव का ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी भी जगह लंबा बैठा रहना पड़ गया तो उसमें आप अपने जो टोज़ हैं उन्हें आप मूव करें, ऊपर नीचे मूव करें, एंकल्स को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं या उन्हें रोटेट कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू शुड क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको उसे छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग से आपके पाँव का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, ब्लड सर्कुलेशन पाँव में कम करने का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम कुछ डोंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आप क्रॉस लेग यानी कि आलती पालती मारकर बैठने को अवॉइड करें, क्योंकि इससे पाँव का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। उसके अलावा किसी भी जगह पर आप लंबे टाइम तक बैठे ना रहें, ना ही एक जगह पर लंबे टाइम तक खड़े रहें, इसे आप अवॉइड करें। उसके अलावा पाँव में कभी भी हॉट वाटर बॉटल्स या हीटिंग पैड्स, इसका आपको यूज़ नहीं करना है, इसे आप अवॉइड करें। नेक्स्ट, आप अपने पाँव को ठंडी चीज़ों से या गर्मी से इससे बचा कर रखें, और ध्यान रखें कि नंगे पाँव आप किसी भी गर्म सतह पे उस पर आप चलने को अवॉइड करें। लास्ट में, आप अगर आपके पाँव में के तलवों में कॉर्न हो गया है यानी गोखरू हो गया है या कोई मस्सा है, तो आप अपने आप उस मस्से को किसी केमिकल से या ब्लेड से काटने की कोशिश ना करें। अगर आपको इस कॉर्न की या फिर मस्सों की ट्रीटमेंट चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके ट्रीटमेंट के लिए। आपको खुद अपनी मर्ज़ी से या अपनी तरीके से इसको हटाने की कोशिश कभी ना करें। तो ये थे कुछ डोंट्स जिन्हें आपको अवॉइड करना है। तो अब लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कब डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर से अर्जेंट कंसल्टेशन के जो इंडिकेशंस हैं उनमें सबसे पहला है, अगर पेशेंट के पाँव में कट लग गया है, छाला हो गया है या फफोला हो गया है, इसके लिए डॉक्टर से अर्जेंट कंसल्टेशन करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट के पाँव के सेंसेशन कम हो रहे हैं या बिल्कुल ही चले गए हैं, या पेशेंट कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन फील कर रहा है जैसे बर्निंग सेंसेशन या पाँव में दर्द फील कर रहा है, या इसके अलावा पेशेंट को कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं या नमनेस यानी कि सूनापन महसूस हो रहा है, तब भी डॉक्टर से अर्जेंट कंसल्ट करना चाहिए। या अगर पेशेंट के पाँव में इन्फेक्शन हो गया है और या फिर जो पाँव की स्किन है उसका कलर चेंज हो गया है या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, तब भी पेशेंट को डॉक्टर से अर्जेंट कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी डायबिटिक पेशेंट्स को साल में एक से दो बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने फुट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। तो ये थी कुछ डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स एंड डेली केयर से रिलेटेड कुछ नॉलेज। और बाकी हेल्दी रहिए, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।